ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधा कृष्ण। आपण समस्तंको जन्माष्टमी हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। मु आडभांस हापी जन्माष्टमी आपणमानंको विश करिली। एबे जन्माष्टमी हैनी माने मझिरे आउ गोटे दुइटा दिन रहिछे, गोटे दिन। आज तो शनिवार होगला, कल रविवार, तापर सोमवार दिन जन्माष्टमी। तो आप समस्त जन्माष्टमी व्रत करेंगे। जमीक मुझ गत वीडियो रे बहुत सारा जिनस बुझे आपण मैंने से सब जिनको एत भलपाइवा देखते मुझे जहाँ जैक पूजा विधि जाणी आपण मान सहित सेयार करेंगे। तो आप सब वीडियो को एत भलपाइवा देते पसंद करें, समस्त हृदय धन्यवाद। आपण मान बहुत सारा क्वेश्चन आसी, तो भाविली आज गोटे वीडियो करके आपरे पहुँचे आपण मानक सब प्रकार सुविधा हम पूजा करने जहाँ भी मनरे द्वंद रही से भी दूर हो पार आ समय थी कि आप किसी जिन आरेज करेंगे। तो पूर्व आपको आउ गोटे बहुत भल कथ कौन जन्माष्टमी दिन ना बहुत ही दिव्य दिन, बहुत ही पवित्र दिन। पवित्र हमने कहीं दिव्य हमने कहीं से तो भगवान श्रीकृष्ण जन्मदिन ना कि। तो एत भल दिन में आम वर्ष सारा जानते चबिशा एकादशी रोचे, कहीं कहीं लोक चबिशा कर तो कहीं कहीं बारटी कर तो आउ किए बड़ चारोटी एकादशी कर तो कहीं निर्जला एकादशी गोटे व्रत रखी था। किंतु ये सब पर भी जन्माष्टमी व्रत वर्षक गोटे दिन आसी आपड़ी निष्ठार सहकारे जहाँ भी व्रतर नियम सब रही नियम को पालन करके आपण मैंने व्रत करुं 2000 कोटी एकादशी पुण्यफल मिलता है गोटे जन्माष्टमी व्रत रखिले। जन्माष्टमी को लेकिन आपण मानक जहाँ भी प्रश्न आसी से सबुर उत्तर तो मुझे निश्चय देवी। कितु ता पूर्व गोटे जिनस मुझक देखी कहीं बहुत थर आर क्वेश्चन आसू बहुत थर कही मे भी से बुझी पार ना कि कौन मानते गोटे क्वेश्चन में बहुत जन सेम क्वेश्चन। तो भाविले मानने प्राक्टिकाल जिनस करके देखे लोक मैंने भलि बुझीपारे हे तो मो कथा ठीक से बुझी आसुन। तो प्रथम मुझको गोटे मूर्ति देखा है राधाकृष्ण मूर्ति, आपत ठाकुर घर देखी नए कहीं ठाकुर घर मुझे रखी रिजन हूँ यार पछपट देखुचना आर पछपट पूरा फांका आम या कहते पिठी ना मूर्ति पूरा पछपटा फांका रही है। तो यही मूर्ति मार्केट रे बहुत सारा मिलू आ भल भी देखा जाए कि देखा घरे मैंने पूजा करने लोक नहीं आसपार ना गिफ्ट दे पार आम क्या जो दौन तेल गिफ्ट दे पार घरे आखिपर जमीक ड्रइंग रूम है मानते जमी कौ जगार भी सजेवाई आप रखिपर गणेश जी हो कि राधाकृष्ण जमी ये मूर्ति रहा लक्ष्मी माँ मूर्ति है नारायण मूर्ति है जहाँ भी जो ठाकुर मूर्ति आपुच्च तो नोटिस करेंगे ना पछपटे जमी फांका न। तो यही मूर्ति पूजा करा जाती ना आपड़ी यही मूर्ति रखिंट पीठीटा पूरा फांका रोच। तो यही मूर्ति पूजा करा जाती ना तो आप भल भाव देखी दिखु। तो यही मूर्ति ना बिल्कुल पूजा करा जाती ना, जदि यही मूर्ति आप रखिंट तो आपको पूजा करते मान घरे अलग कौट जगार रखिपर कि ठाकुर घर रखी आपको पूजा करते ना। गोटे क्वेश्चन भी मुझे कहीदे जो बहुत थर मत से पचारे शनि महाराज को से घर रखिक पूजा करने को चाहते शनि महाराज मूर्ति घरे रखिक पूजा करा जाती ना कहीं आम जो पूजा करें प्रभु आखि दुईट को देखी पूजा करें जहाँ सहित कथ आम आई कंटाक्ट रखिक कथा तो ठाकुर जो आम आरती करती पूजा करती कि भी मंत्र पढ़ी था तो आम प्रभु दुईट आखि को देखी था जगन्नाथ भी सेमती दुईट आखि को देखिक आम सब भूली जाती। तो शनि महाराज आखि को आम देखिपर ना शनि महाराज मंदिर को गले भी आम पूरा डायरेक्ट प्रभु आखि को देखाने प्रभु पाद को देखिक आम दर्शन करने शनि महाराज पूजा विधि केमती करेंगे कौन करेंगे मुझे डिटेल्स वीडियो गोटे सेयार करी बहुत पुराना वीडियो हो गला। तो आप चैनल को जाकि थोड़े देखी निपंक सब जहाँ भी डाउट रही शनि महाराज को लेकिन आप क्लीयर मानते जहाँ भी क्वेश्चन रही थोड़ा ना कि डाउट रही थोड़ा से सब क्लीयर हो पार। तापर सेकेंड कथा जदि शनि महाराज को जमीन कि आम रखिपरि तो आम आउ कौन ऑप्शन अच्छी शनि महाराज जंत्र अच्छी आप जंत्र आजा करेंगे नवग्रह जंत्र रही जोटा कि घर निहाती रखिक पूजा करने कथा सब पूजा नवग्रह पूजा होता है। तो नवग्रह जंत्र घर निहाती रूप से रखा कथा बुझेगा जदि आपण मानते सेमती किसी सुविधा अच्छे किए चिन्ह अच्छा भलकिना बनई पारे तो आप निहाती रूप से करमती नवग्रह जंत्र है घर रखी पूजा करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत दिन रही आबूबे भिडियो भाभी थे ये प्रश्न उत्तर दे दिए बोली कितना भूली जाए। तो आज जेहतु क्वेश्चन आंसर मैंने भिडियो करुच्ची तो भाविली आज वीडियो रे ही कही देवी। तो ये चलते फटाफट आम जन्माष्टमी जहाँ सब मानते क्वेश्चन रही है आंसर करदे। तो मुझे सब क्वेश्चन लिखिक रखी देखिए काले कौटे भूली जी बोलिकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे देखी नौ जमी क्वेश्चन अच्छे जन्म नक केवल पूजा करू कि हाँ निहाती रूप से आप भगवान जी जन्म करें केवल पूजा करें किसी असुविधा ना
जन्म करेबा कंपलसरी नुहे, ये भक्तर गोटे श्रद्धा थाए से माने जिए करबाकू चाहिबो से करिवो। तापर एबे जिबा आ गोटे क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन अछि, निजो तुलसी चौरा नथिले आमे काकुडीर ऊपर पाटी को कोठी पोतिबु। माने तांको कहबा कथा से भडाघर अछन्ते, आ भडाघर त जेहेतु अछन्ते निजो चौरा नाही। बहुत लोक भडाघर रहछन्, जेतले मु भी भडाघर रहथिले त मु भी सेई चौरा रे पोतुथिली। जदि आपनकर पर्सनल जेमति कि घर रखिछ, माने घरे अछि, बहुत जन घरे फुलकुंड भी लगे था, बालकोनी में फुलकुंड लगे था, जदि सेमती किसी सुविधा ना तो आप जो चौरार पूजा कर चौरार पोति पारे, किसी असुविधा नहीं। जोड़ी ना आम जदि किसी भी सुविधा ना, आम नहीं कौटे पकेबा, पानी रे पकेबा, पानी रे विसर्जन करबा, ना किसी भल जगह जमती कि बरगछ मूल है, ओस्त गछ मूल है, से जगह पोतवा, से गोटे प्रसाद स्वरूप, आम से जगह पवित्र जगह पोतवा। तो चौरार मूल भी पवित्र जगह, चाहे आम बाहर जो पोतवा से भी तो आम निजर नुहे ना, निजर प्लट तो नुहे, तो से भी बाहर पोतवा। तो जो भी चौरार पूजा रेगुलर, तो से चौरार भी आमर भी भावना रही, आम समस्त भावन ही पूजा कर, तो किसी असुविधा नहीं। जदि रेन्ट रे भी रोचे जो चौरार आप पूजा करेटी पोति पारे, बुझी आसला। तेज आम आउ गोटे क्वेश्चन देखने वा। तो थर्ड क्वेश्चन हूँ, जन्माष्टमी दिन आम तुलसी पत्र तोली पारे कि ना, आम तुलसी पत्र जन्माष्टमी दिन तोली पारे। दिन अष्टमी तिथि किसी भी प्रोब्लेम हेनी, द्वादशी तिथि तुलसी पत्र तोला जाए, रविवार दिन तुलसी पत्र तोला जाए। जदि कल रविवार दिन पड़ी था मानते जन्माष्टमी, मैंने आसंता का रविवार जब पड़ी था, तेल आम तुलसी पत्र आज तोलिक रखी देते। तो जेहतु सोमवार पड़ी तो आम से दिन ही तोलवा, किसी असुविधा ना। आ गोटे क्वेश्चन था नाभिच्छेदन किपर करेंगे, नाभिच्छेदन जो कि आम काकुड़ी जो खाई था, काकुड़ी जो ऊपर पार्टी आम पकई था, काटिक आम जो खाई ना, जो ऊपर पार्टी से तो आम खाते नहीं, आम काटिक पकई दिखती, बस से पार्टी को आप काटे काकुड़ी जो मो पाखे ना, जब घरे था मुझे आपको देखी था, काकुड़ी को आप कॉइन रे काटिबे, छुरी यूज करें, नाभिच्छेदन करके से पार्टी को चौरार मूल में पोतिबे, आउ बाकी जतक रही गला सेटा को आपण प्रसाद स्वरूप पाइबे। आ गोटे प्रश्न थिला जे काकुड़ी को जो आम काटि सारा, आम के समय चौरार पोतवा, के समय मानते चौरार आम रात तो पोतवा नहीं, कहीं आम जो बारटा प्रभु जन्मनीति करवा नाभिच्छेदन आम से करवा, आ नाभिच्छेदन समय पूरा राति आम शास्त्र रही जमी कि सूर्य अस्त हो सारापर चौरा को आम छुईवा ना, तो रात अधर आम जामी पोतवा गोटे पीतल प्लेट्रे कौटी गोटे रखीदी, स्टील गिना जब पारे भी से रखीदे, कौन गोटे जगार सफा जगार रखीदे, जो नेक्स्ट मर्णिंग हम आम जो सूर्यदेव को अर्घ्य दे सारे, घर ठाकुर पूजा कर सारे, वृंदावती पूजा कर सारे, नहीं आप चौरार पोतिदे, बुझी आसा चौरार पोतिदे, ना फुलकुंड पोतिदे, जो भी आपको सुटेबुल हम आप भल भाव पोतिदे। तो ये फटाफट आम आउ गोटे क्वेश्चन को नहीं ना। आउ गोटे प्रश्न रही, प्रेगनेंसी रे आम कौन खाइबा, बहुत जन प्रश्न रही प्रेगनेंसी टाइम रे आम किपर पूजा करवा, कौन खाइबू बोले कि देखो प्रेगनेंसी टाइम रे आपको निजर केयर बहुत अधिक रखा पड़ा, आ भितर जितक ओसा व्रत आसी थाए आपण मन को छाड़, मानने से ओसा व्रत किसी भूल त्रुटि भी हो जाए ना, से किसी दोष धरा जाए ना, किंतु तार माने नुहे जे जो दिन ओसा व्रत रहुची से दिन आप नॉनवेज खाइबे, से दिन आप उष्णा खाइबे, बुझे आसा पिज रसुण खाइबे, ए सब अवॉइड करिबे। आप तो निजे ही लड्डू गोपाल को गर्भर धारण कर, तो से समय रे जहाँ भी नमास कहार नौ मस अधिक हो जाए, कहार नौ मस पूर्व डेलीवरी हो जाए, तो से जो पीरियड आसी थे आ भितर सब तो कोसा व्रत समस्त लाइफ रे आसी थाए, तो जहाँ भी हो ये समय किसी धरा जाए नहीं, किंतु जो जो जिनस अवॉइड करसा व्रत तो आम से सब जिन अवॉइड करवा। बाकी बहुत सारा ऑप्शन अच्छी, फ्रूट्स अच्छी, आप डालमा संतुला परटा एसबू जिन खाई सागु रही सागु पीपरेंगे, तो बहुत सारा ऑप्शन अच्छी आपको जहाँ भी जो ए टाइम ना टी जिन खाइबारे भी प्रोब्लेम होता है, जन जन को बहुत सारा जिन भल लगे, तो आपको जहाँ जोटा भल लगी थे से सब जिन खाइबे, बाकी जितकी जिन कहे अवॉइड करने से जिन अवॉइड करके रही है, किसी असुविधा ना। तो हेगला ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। आउ गोटे क्वेश्चन नहीं ना, जोटा कि ये क्वेश्चन भी बहुत जन पचारी, आम पाखे लड्डू गोपाल जी मूर्ति ना केवल फोटो अच्छे, फोटो किपर पूजा करूँ, फोटो रे भी आपड़ से पूजा करेंगे सेम प्रोसेस, किसी भी प्रोब्लेम ना। बाकी हाँ आप स्नान कर जो विधि रही विधिटा टी स्प हो, फोटो को तो आप स्नान करें, जमीक जदि जन्म भी जन पचारी फोटो केमती श्रीकृष्ण जन्म कर,
तो फोटो रे मध्ये आपण जन्म करि परबे जेमिति कि आमे को मूर्ति अछंदि तो मूर्ति को आमे के काकुडी भितरे किबा फूल भितरे कि जेहा को जेमिति सुविधा से सेही भली कवर करके रखि दे थांदि तापर 12टा पर ठाकुर को जन्मनीति करि थांदि तो फोटो रे आपण कोन करियो फोटो उपरे हळदिया हला लाल हला किछि भी चुन्नी घोडै देबे ठाकुर को फोटो को कवर कर देबे बुझिला तो कवर कर सरीबा पर सेठी ठाकुर को पाखरे ओटे काकुडी भी रखि देथि कवर करबा पूर्व रो ठाकुर को पाखरे गुटी काकुडी रखि देबे तापर ठाकुर को फोटो को कवर कर नेबे जेतेले जन्मनीति आपण करेबे निजर भावना रे ठाकुर को जन्म करेला भळा से जो ठाकुर को जेमति जो चुन्नीटा घोडै थिबे से चुन्नी को उठे फोल्ड करके रखि देबे आ जो काकुडी टी साइड रखि दे से काकुडी को कॉइन रे आपण ऊपर पार्टी को काटि देबे आ प्रोसेस सब सेम किंतु जन्मनीति पर ठाकुर को जन्म हे सरीबा पर ठाकुर को पंचामृत रे स्नान करा जाय थाय जोटा कि विग्रह मानक करिबा सुविधा हे थाय पंचामृत हला खी कंचा खीर हला बास जल हला आमे विग्रह मानक ऊपर भल भाबरे करि परथांती फोटो रे से सब हेई परेनी फोटो रे आपण केवल सिंचन करिवे भावना रे आपण जेहा बे भावना रे जेमती कि प्रभु को गाधी दोचंदी प्रभु खुवाई दोचंदी भावना ठारो जो आमे कहिथांती मानसिक पूजा ठारो श्रेष्ठ पूजा किछि भी नाही यदि आपण सेबुली करबा को चाहौचंदी सेमती करि परिवे जेमती कि आमे मूर्ति को गाधी दोचन जन्मनीति सल्ला ठाकुर को आमे अभिषेक करैबा तो आपण जेहा भी पंचामृत रखिदे ताको दुबो द्वारा हो फूल द्वारा हो ठाकुर को पर सिंचन करै देबे कि मो पखरे एपुली सुविधा नाही किंतु प्रभु मो भाव रे आपण को स्नान करै दोची निजर भाषा रे निजर भक्ति आपण पूजा करें किसी भी असुविधा ना आउ सेम प्रोसेस जो गत काल भिडियो जहाँ भी कही पूरा सेम प्रोसेस से हाँ आउ गोटे प्रश्न जो प्रेगनेंट रोचे से समय मंदिर जापर कि ना निहाती रूप से मंदिर आप जापरेंगे किसी भी असुविधा ना जन घर मना करें छोट बलू शुणी आस जो मैंने प्रेगनेंट अच्छा मंदिर जी तो तार लॉजिक हूँ या मानते मंदिर में बहुत भिड़ होता है जदि आम मंदिर भिड़ जगह को जाइवा टी पेला ठेला हो जाती कि कौटि कहार कहूनी बाजि छुआटे दौड़ी आसुव मे भी आउ किसी डिफिकल्ट मानने जिनस क्रिटिकल किसी सिचुएसन हो जाए से मना कर समय किसी भिड़भाड़ जगह को जीवाई मंदिर में बहुत भिड़ होता है आपड़ जिते केयरफुल गले भी जमी वर्षा सीजन बहुत सारा जगार शिवली हो जाए जदि गोड़ खसीगला तो जो कौटी पेला ठेलें लाइन लगे थे कहीं ना ये जो जन्माष्टमी समय आप मंदिर देखी थे से मंदिर केड़ होता है आम नर्माल लोक जावाप भी कष्ट होता है से समय आपत जी तो से मना कर ना कौनसी कारण ना अन्य रही जाते पुणी जीवन सारा पड़ी पुणी ठाकुर को आम दर्शन जावा किसी असुविधा ना कि भिड़भाड़ जगह को यही समय जावाप ये मना कर किसी इनसीडेट नई जाऊ आउ किसी असुविधा ना तो ये आम आसवा लास्ट क्वेश्चन को जोटा कि छुतक मृतक और पीरियड समय आम पूजा करूँ कि करूँ ना आदि करूँ किपर करूँ तो पीरियड समय जदि आप पांच दिन हो पांच दिन में जब ब्लीडिंग एकदम बंद हो जाए बहुत जनकर चार दिन में ब्लीडिंग बंद हो जाए तीन दिन में ब्लीडिंग बंद हो जाए तो पांच दिन में बिल्कुल ब्लीडिंग हुए नहीं तो आप मुंड धोई ठाकुर पूजा करेंगे जदि ठाकुर घर महादेव अच्छा तो भूल भी जीवन कहाँ को कहे लड्डू गोपाल जी को बाहर को नहीं आसे आप बाहर पूजा करेंगे जमी पंचोपचार विधि पूजार निम अच्छे पूरा एकदम भल भाव छह दिन में आदि सात दिन हो जाए ठाकुर घर को जाकि भल भाव पूजा करें प्रतिदिन पूजा करमी नुह हाँ मोर तो पीरियड्स मुझे तो भोग पाइबि मंदिर तो जीवन तो मुझे खाई दूसरी जहाँ भी भात वगैरह खाई दूसरी करेनि से व्रत खंडित होता है वर्ष वर्ष धरी जदि आप आसुँचे जो प्रति वर्ष जो भाई नियम रही था से नियम रे केवल पूजा टी जमी ठाकुर को आम बेस कर मंदिर जापर भोग खाई बहुत मन दुख हुए मुझे बुझुच्छे कितु कौन करवाक नियम रही पांच दिन पर जदि हो जाए हेगला पीरियड्स जहाँ प्रोब्लम थी आप बुझीपारे एवं छुतक मृतक आसवा छुतक मृतक समय भी सेम कहीं आम ओडिया घर रही मानते मृतक चौदह दिन जपर्यंत नई से आम ठाकुर पूजा कर न था घर ठाकुर पूजा हो न था तो आम चौदह दिन पर पूजा कर था कहीं चौदह दिन में ही पूजा कर था तो यही जो नीति रही तो चौदह दिन भितर जब रोचे आम कमी पूजा करवा आम तो निजे ही ठाकुर पूजा ही करवानी आम घर ठाकुर पूजा होनी ये जो ओसा व्रत रोचे आम किपर करवा ना आम भोग पाइबा ना आम पूजा करवा ना ठाकुर को छुई पारा तो आ भितर जब किसी पूजा व्रत पड़ू जमीक जन्माष्टमी जब पड़ा तो आप मानसिक पूजा करेंगे केवल मानसिक रूप से आउ किसी अप्सन ना उष्ण खाईद कि पिज रसुण खाईद एमती करें जो ओसा व्रत पूर्व रही आसुले सेमती आप रे मुंड न धुंतु सका गाधी पड़े गाधी सारिक मानसिक रूप से प्रभु को स्मरण करे जनइबे कि हाँ मोर ये असुविधा रोचे मुझे पूजा करें प्रभु मत क्षमा करेंगे उपवास करुच्ची आज दिन सारा मुझे रही फलाहार कर रही कि पा पीकि रही जहाँ भी जमी
ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳି ଆପଣ ରହିବେ। ଅଣସୁଧିଆ ସମୟରେ ବି ଆଉ ଛୁତକ ଯଦି ଚାଲିଛି ଛୁତକ ସମୟରେ ବି ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଛୁତିକିଆ ଯେମିତିକି ଦଶ ଦିନରେ କାହାର ପୁରା ହେଇଯାଇଥାଏ, କାହାର ବାର ଯାତ୍ରା ଯିବା ପରେ, କାହାର ତେର ଚଉଦ ଏମିତି ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସମାନ ନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛି ସେତିକି ଦିନ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ନର୍ମାଲ ପୂଜା, ଯେମିତିକି ଆମେ ତେର ଦିନରେ ଛୁତକ ଯେମିତି ସରିଯାଇଥାଏ ବାରଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତିଦିନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ପୂଜା ଆମେ କରିପାରିବା। ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହ୍ନାଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ବେଶ କରେଇଦେବେ, ସଜ କରେଇଦେବେ, ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ, ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇଦେବେ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଥିଲା ଯେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ଜଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ପୁରିନି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଯାଇନି ତ ଆପଣ କଳସ ବସେଇକି କିଛି ବି ପୂଜାବ୍ରତ କରିବେନି, ଏମିତି ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲ। ଠାକୁର ଘରେ କଣ ଆମେ କଳସ ବସଉ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ଠାକୁର ଘର ସେମିତି ଖାଲି ରହୁଛି, କଳସ ବସେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ପୂଜା ହୁଏନି, ଯେମିତିକି ମାଣବସା ହୁଏନି, ଆମର ଶ୍ୟାମଦଶମୀ ପୂଜା ହୁଏନି, ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତିନି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡିବ ତ ଆମେ କଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବାନି, ବ୍ରତ ପୂଜା ହବ, ବ୍ରତ ପୂଜା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି, ଯଦି ବ୍ରତ ପଡିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ କରିବା, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି, ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାରଣ ହେଇଥାଏ, ତା ରିଜନ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଘରେ ପୂଜା କରିବା, ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଖରେ ସେଇଠି ପିଠାପଣା କିଛି ହୁଏନି, ମନା ହେଇଥାଏ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ, ତ ସେଇଠି କଣ କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ନାନ କରେଇଦେଲେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ହଉ କିମ୍ବା କଦଳୀ ପତ୍ର ହଉ ବ୍ରତକୁ ରଖିକି ପାଣି ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲେ କଦଳୀର ଭୋଗ ପାଣି ଛଡେଇକି ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୂଜା ବେଶୀ ବଡ ଆକାରରେ ହୁଏନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ବ୍ରତ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ତ ଏଇଭଳି ପୂଜା ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଯାଇନି, ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଓଷା ବ୍ରତ ପଡୁଛି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଲା, ଜାଗର ହେଲା, ତ ଆମେ କଣ ଓଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କି? ଓଷା ଛାଡ଼ିଲେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କରିବାନି ନା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିଛି ଥରେ ଯଦି ଓଷା ଛାଡ଼ିବା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କରିବାନି। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି ବେଶୀ କିଛି ସିରିୟସ୍ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମାଫ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ବ୍ରତ କିମ୍ବା ଓଷା ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି, କରିବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଥା କହିଲି ସେଇଭଳି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ, ବେଶ କରେଇଦେବେ, ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଥିବ ସେୟା କରେଇଦେବେ ମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ, ବୁଝି ଆସିଲା? ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହବନି। ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତିନି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେମିତିକି ହୋମ ହୁଏନି ଘରେ, କିଛି ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏନି, ପିଠାପଣା ହୁଏନି, ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଯୋଉଟା ପିଠା ପୋଡ଼ା ଯାଇନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ବଡ଼ ପୂଜା ମନା କରାଯାଇଥାଏ? ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ମରିଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଥାଏ ନା, ମରିଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭଟକି ଥାଏ, ମାନେ ଆତ୍ମାଟା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି। ଘରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଲଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ହେଇଥାଏ ପୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଲଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି? ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡି ନଥାଏ, ଯୋଉ ଅଣସୁଧିଆ ଯୋଉ ଥାଏ ନା, ଅଶୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ସେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ନଥାଏ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡି ନଥାଏ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନା ହେଇଥାଏ, ଯଜ୍ଞ ହୋମ ହେଲା, ଯାହା ବି ଓଷା ବ୍ରତ ଆମର ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏନି, ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟ କିଛି ହୁଏନି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଆର କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ରିଜନ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଗୁଁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଡୁଛି ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବେନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥିବି, ବୁଝେଇ ପାରିଥିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଫିର୍ ବି ଯଦି କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିନି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଯଦି ସମୟ ମିଳିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ରୂପରେ କଥା ହେଇଯିବି। ତ ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ରହିଲି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।